इंशाल्लाह जरूर होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन पहले गंजों का कर्जा तो उतारे हो बेचारा। कौन उतारेगा? इमरान खान ही आएगा तो उतारेगा इंशाल्लाह। हमने वोट किसी को नहीं दिया, नाम देते हैं। अच्छा। हमने अपना कमा के खाना और अपने ये हमें खाने के लिए नहीं देते। इमरान अगर अभी नहीं आया ना बयान कौन से जीतेगा, इमरान खान जीतेगा। अगर ये गंजे बैठ गए ना, यही खेड़ी जुती है तो और गंजों का सारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी, हमारा अपना अच्छा लीडर है, रिलीफ भी मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है और आइंदा भी उसको ये वोट देंगे। यार इमरान खान भी तो केस लगे कि तोशाखाना केस में उनको गिरफ्तार किया। 14 करोड़ का है वो, 14 अरब रुपए का है वो आपको नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AAM न्यूज़ हब में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल। नाज़रीन इलेक्शन 2024 हो चुके हैं, नई हुकूमत अब आने में कुछ ही वक्त रह गया है, तो हम यहाँ पे शेर मुल्तान के दिल में मौजूद हैं। यहाँ पे आई आवाम से हम जानेंगे कि क्या इलेक्शन 2024 के बाद जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, क्या जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार मिलेंगे, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, क्या लोड शेडिंग कम होगी, बिजली के बिलों में कमी होगी। तो आइए हम आवाम से जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार इलेक्शन 2024 हो चुके हैं, नतीजे भी आने वाले हैं, तो आप बताएं अब जो हुकूमत आएगी तो क्या उस हुकूमत में जो मामलात होंगे बेहतर होंगे, क्या नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा? मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नवाज शरीफ आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा, और इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं, हर नौजवान को नौकरी भी मिलेगी और क्या नाम है इस मुल्क में बेहतरी भी होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या उम्मीदें और मज़ीद रखते हैं आप? उम्मीद यही है कि आने वाली हुकूमत, अब जो आई है हुकूमत, अब हुकूमत में महंगाई का खात्मा होगा और हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ को सपोर्ट करते रहेंगे। आप बताएं आप किसको सपोर्ट करें? इमरान खान। इमरान खान को? तो आप बताएं इमरान खान अगर हुकूमत में आ जाती है तो क्या मामला बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी। आपको रोज़गार मिलेगा? जी। यार इमरान खान पहले भी आए थे, 5 साल पहले उन्होंने 3 से 4 साल की हुकूमत की है, तो तब भी उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, तो तब आपको मिली? मिली हैं। तो अब अभी मिलेंगी? यार वो कह रहे हैं हमें इमरान खान के वक्त में मिली है नौकरी। पूछे कौन सी नौकरी मिली? कौन सी नौकरी मिली है? जो हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? शूज़मेकर। शूज़मेकर ओके। सरकारी नौकरी मिली है? सरकारी नौकरी मिली, पढ़े नहीं है। सरकारी नौकरी की बात हो रही है सर अभी इस टाइम? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन पहले गंजों का कर्जा तो उतारे हो बेचारा। कौन उतारेगा? इमरान खान ही आएगा तो उतारेगा इंशाल्लाह। तो अब तक पहले भी इमरान खान ने हुकूमत कर चुकी है, जो कर्जों में मजीद हमने सर्वे की आवाम का तो ये कहना है कि अच्छी हुकूमत कर गए इंशाल्लाह और आगे करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बस हमें तो ये पता है कि 300 रुपये की फ्लेवर की डब्बी आती है GBR की, 50 रुपये के कोयलों का पैकेट आता है, 2 पन्नियाँ आती हैं, ये देते रहो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अगर इमरान खान अब आ गए दोबारा, लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, लीडर है जी, लीडर तो चले हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर हुकूमत में अब आ गए तो क्या पेट्रोल सस्ता होगा? पेट्रोल क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा, पहले कर्जा उतरे इंशाल्लाह, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। नीयत साफ होनी चाहिए आवाम की, क्यों नहीं होता, सब कुछ होता है। बिजली की कीमतों में कमी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। टाइम लेता है हर काम, टाइम लेता है अपना सर, उनको टाइम आवाम ने जैसे कि हमने सर्वे भी किया, आवाम का ये कहना है कि उनको 3 से 3.5 साल पहले भी मिल चुके थे, मगर जो मामला थे सब कुछ बरअक्स, उन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, डॉलर की कीमत है वो नीचे आ जाएगी और इसके अलावा और मामला बेहतर हो जाएंगे 90 दिन में। हाँ पता है कि जो मर्जी वजीर आजम मियाँ साहब आए, भुट्टा साहब आए, जो मर्जी आए, खान साहब आए, गरीब जो भूखा सो रहा है उसका क्या है, ये तो सो रहे हैं महलों में, समझ रहे हो ना बात को आप, ये तो सो रहे हैं महलों, गरीब का कौन सोचता कोई। तो आप बताएं कौन सोचेगा गरीब का, कौन सा अल्लाह खैर करे, ये सोचेंगे, ये तो सोचेंगे बस अल्लाह। आप बताएं कौन सोचेगा आवाम का? अब इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, कौन रिलीफ देगा आवाम? इंशाल्लाह खान साहब देंगे। खान साहब दे, कौन रिलीफ देगा आवाम को? खान साहब इंशाल्लाह, खान साहब देंगे। हमने वोट किसी को नहीं दिया, नाम देते हैं। अच्छा। हमने अपना कमा के खाना और अपने ये हमें खाने के लिए नहीं देते। अच्छा ये बताएं अब इंतखाबात हो गए हैं, अब नई हुकूमत आएगी, मामला कैसे देखते हैं, कैसे मामला आते रहे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये लड़ाते हैं आवाम को, सारे तमाशा देखते हैं ये बैठ के। अब तो कहने की बेहतर होगी, मामला बेहतर होंगे, नौकरियाँ मिलेंगे, हमने मजदूरी करके सिर्फ चोरी खानी है बस, किसी को आप बताए भाई, हमें यही पता है कमाना है और खाना है। यार हुकूमत आ रही है वो कह रहे हैं हम आपको नौकरियां देंगे, रोजगार के मौके फराहम करेंगे, बिजली के बिलों में कमी करेंगे। ना जब वोट हो ना तभी ये मिलते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाए ना इनके दरवाजे भी देखो ना ताले हैं।
तो क्या लगा कोई पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में? आवाम इन्होंने समझा, आवाम मर गई है, जेबें फुल और याशी। तो कोई पैगाम भी देना चाहोगे अब जो आने वाली हुकूमत? हाँ देना चाहेंगे, इमरान खान को बिठा दो, इनको उतार दो गंजों को। तो अब के अभी अब गंजे हैं? हैं अब कौन बैठा इस वक्त? इमरान अगर अभी नहीं आया ना बयान कौन से जीतेगा, इमरान खान जीतेगा अगर ये गंजे बैठ गए ना, यही खेड़ी जुती है तो और गंजों का सारा है। तो क्या लगता है इमरान खान अगर आ गए तो मामला बेहतर होंगे, रोजगार मिले? बेहतर होंगे होंगे यार, इमरान खान ने पहले वादा किया था कि भाई 1 करोड़ नौकरियां देंगे, सबको मिलेगी नौकरी, नियत से ढूंढनी चाहिए बस। 5 साल पहले आपको कोई नौकरी मिली है? मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, पीजे का काम करता हूँ। पीजे का काम करते हैं माशाल्लाह, मामला बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं वोट किसको दिया था आपने? वोट दिया ही नहीं किसी को, वोट नहीं दिया। अच्छा ये बताएं कि अब हुकूमत आएगी तो क्या लगता है आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, बाकी तो किसी से भी नहीं है। कौन आएगा हुकूमत में? पीटीआई आएगी जिसकी चल रही है। चलो पीटीआई आई तो पीटीआई ने आवाम को रिलीफ देना उम्मीद तो लग रही है, क्या वजह? आप मुतमईन नहीं है? नहीं, उन्होंने पहले भी हुकूमत की है तो उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, महंगाई इतनी हो गया है, बेरोजगारी हो गया है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? तो अब रोजगार के मौके मिलेंगे अब आने वाली हुकूमत जो भी आएगी? वो तो आएगी तो पता चलेगा। तो उन्होंने तो आने वाली हुकूमतों ने सब ने वादा किया कि हम रोज़गार के मौके भी देंगे, पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, जो बिजली के बिल हैं उनकी कीमतों में भी कमी करेंगे। कह रहे हैं जब करेंगे फिर पता चलेगा, कहने में और करने में फ़र्क होता है, कहने और करने में फ़र्क है। मतलब कि आपको लगता है अभी उम्मीद नहीं है कि नहीं है कुछ? आप बताएं प्यारे भाई जी, रिलीफ मिलेगा आवाम को? अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो शायद मिले। अगर नवाज शरीफ आया? मुश्किल है। क्या वजह? बस नवाज शरीफ की हुकूमत में मुश्किल है। नवाज शरीफ की हुकूमत में मुश्किल है जी। पीटीआई पहले भी हुकूमत कर चुकी है तो पीटीआई को दी हमने वोट पीटीआई को दी है तो पीटीआई ने एक बार पहले भी हुकूमत की है 3.5 साल तो बहुत से वादे किए हैं जो कि पूरे नहीं हो सके, तो उस बिना पर अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको आप कैसी कारकर्दगी वो पेश करेंगे? हम सपोर्ट पीटीआई को ही करेंगे क्योंकि सही उस वही है बंदा, सही पीटीआई है। आप बताएं, हमने वोट हमारे वाली साहब ने दिया है, क्या नाम है, पीटीआई को वोट। तो आप बताएं आपको अब रिलीफ मिलेगी अगर इमरान खान? इंशाल्लाह मिलेगी रिलीफ। आप बताएं अब हुकूमत जो भी आएगी आवाम को रिलीफ मिलेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बनेगी, हमारा अपना अच्छा लीडर है, रिलीफ भी मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है और आइंदा भी उसको ही वोट देंगे। नवाज शरीफ ने अभी तक आपको पहले माजी में भी कोई अच्छा काम किया है रिलीफ दी है? देखो पहले माजी में उन्होंने अच्छा काम किया था तो दोबारा हमने उसको वोट दिया, तो हम इमरान खान को कभी वोट नहीं देंगे और ना कभी वो अच्छा इंसान था। इमरान खान ने जैसे वादा किया था आवाम से तो आवाम को भी यही कहना कि जो इमरान खान है अच्छा बंदा है, सब लोगों को रिलीफ देता है जी। रिलीफ देगा, नवाज शरीफ देगा, इंशाल्लाह देगा, महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ में वो रिलीफ देगा हमें, हर चीज़ में। हाँ जी आप बताएं, इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही वोट दिया है और नवाज शरीफ आया है और इंशाल्लाह उसी की हुकूमत रहेगी। चलें रिलीफ मिलेगा आवाम को? बिल्कुल जी बहुत मिलेगा, अब आगे आगे अच्छा ही काम होगा जैसे देखा जा रहा है, अब अच्छे काम होंगे जी। आप बताएं क्या लगता है आपको आवाम को रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में अगर नून लीग की हुकूमत आती है या पीटीआई की किसी भी शख्स की हुकूमत आती है, लीडर की हुकूमत आती है, तो क्या आपको लगता है? हुकूमत आ भी गई है, नवाज शरीफ जीत गया और इंशाल्लाह अच्छे काम भी हो गए, दुनिया को रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है वो, और इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी। तो बिजली की बिलों में बहुत इजाफा हो गया है, गैस के बिलों में भी बहुत इजाफा हो गया है, तो क्या लगता है नवाज शरीफ आएंगे इन तमाम मामलों को बेहतर कर देंगे? इंशाल्लाह वो बेहतर करेंगे। तो आप कोई और पैगाम देना चाहेंगे आप मियां नवाज शरीफ को? इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेगा, आने वाले वक्त में दोबारा उसी की हुकूमत होगी, उसी की हुकूमत जी इंशाल्लाह। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने लीडर को? हमारा यही पैगाम होगा अगर अच्छी हुकूमत उनकी है अगर रहेगी तो फिर हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं जी। जी बहुत शुक्रिया जी। प्यारे दोस्तों क्या लगता है आपको आने वाली हुकूमत में मामला बेहतर होंगे, आपको तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह मिलेगा। आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं मिलेगा कोई रिलीफ, मिलेगा हमें? आपको भी रिलीफ नहीं मिलेगा? सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। आप बताएं, चोर है सब? इमरान खान ही आएगा, इमरान खान आएगा। तो क्या मतलब क्या लगता है रिलीफ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कोई पैगाम भी देना चाहेंगे आने वाली हुकूमत?
आने वाली हुकूमत तो सिर्फ इमरान खान की आएगी, इमरान खान की आएगी। चले ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। रिलीफ मिले, वालेकुम सलाम, रिलीफ मिले ना मिले, कम से कम चोरी रुक जाएगी, चोरी रुक जाएगी, चोरी तो 5 साल रुकेगी ना। तो चोरी कौन कर रहा है? चोरी जो चोर कर रहे हैं, जो चोरी जो भाग जाते हैं यहाँ से वही चोर है, और कौन चोर है यार? भागा यार, इमरान खान भी तो केस लगे कि तोशाखाना केस में उनको गिरफ्तार करना। 14 करोड़ का है वो, 14 अरब रुपए का है वो, आपको नहीं पता? चोर तो चोर, चोरी तो रुकेगी ना। चोर तो चोर, रिलीफ ना मिले चोरी तो रुकेगी। क्या लगता है आवाम को आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। कौन आएगा, कौन रिलीफ देगा आवाम? नवाज शरीफ आएगा, जो आएगा नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। चलें, कोई पैगाम देना चाहेंगे नवाज शरीफ? पैगाम ये दे जाऊंगा, क्या नाम है इसका, सब कुछ सस्ता होएगा, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है ये पेट्रोल सस्ता होएगा, और ये आटा चिन्नी की महंगा हुआ है सस्ता होएगा, उन्होंने जो आगे अपनी रिश्ते भरवाई है वो सही, सब सही होएगा, बस यही होएगा जो होएगा। बिजली की जो कीमतें हाई हुई हुई हैं वो भी कम हो जाएंगी, इन सारा सब कुछ होएगा, सब कुछ बेहतर होएगा, मैं सब कुछ होगा। जो इमरान नगर है वो आपके सामने ही है, ये देखो बैंक टूटी पड़ी, थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि इमरान खान ने कौन से मामला उनको जो खराब हुए, सड़कें हैं खड़ी के सही कर, मतलब वो होते हैं ना जो सड़कें होती है खुदवादी, बिल्कुल सही थी वो, सही गैस का नाम ले गए, सुई का जो नाम लेकर सही कर दिया काम को, उन्होंने काम खराब कर दिया। मैं ये कहूँगा अब देखो आटा चीनी तुम्हारे सामने ही है, आटा चीनी उन्होंने क्या करा है, इतनी महंगी कर दी उन्होंने, सड़कें टूटी फूटी सारे खराब कर दी, अब वो आएगा सब कुछ सही करवाएगा, आटा चीनी सस्ता करेगा, वो पेट्रोल सस्ता करेगा जो महंगा है, अब वो सब कुछ सही करेगा, आपके सामने ही होगा, जब रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में वो सब कुछ सही होगा इंशाल्लाह। और जो आने वाली हुकूमत होगी वो ये भी बताएगी जी आप, और जो ये आने वाली घुमत होगी ये भी बताएगी कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है। ये तो कहते हैं ना इमरान खान सही है सही है सही है, ये आने वाली घुमत बताएगी सही है खराब है क्या सही है, अब वो पता लगेगा तुम सबको। जब 2 महीने टाइम दे, 2 महीने टाइम, महीने में दिखा रहे तुम्हें महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, आपका दावा है कि आने वाली हुकूमत महीने के अंदर मामला बेहतर कर देगी, आवाम को रिलीफ देगी? इंशाल्लाह 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 सब सही करेगी। जब आएगा वो तो वाजे से हो रहा है कि इमरान खान है, नवाज शरीफ वाला, वो तो वाजे से हो रहा है, दो दिखा दूँ तुम्हें मैं कौन आया कौन नहीं आएगा। ये जो छोरी आ रही है ना इमरान खान की, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। अब नवाज शरीफ आएगा, लपट्टे पहन के आती है नवाज शरीफ की हुकूमत में, ये जो आती है, बस ये कहूँगा मैं आपको, बस बहुत शुक्रिया। और भी आप बुजुर्ग भी मौजूद हैं सर, आप बताइएगा, माशाल्लाह से आपकी एक एज है, आपने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है, क्या लगता है आप आने वाली हुकूमत रिलीफ देगी आवाम को? कोई नहीं देता, चुप कर, कोई नहीं जी, जैसा कि आपने सुना है यहाँ पे कोई नहीं देता, शहरियों का यही कहना है कि और आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।